वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूँ हरीश। दोस्तों अब आप हमारे सारे वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हो। दोस्तों अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो, वहाँ से आप मुझे फॉलो करें। मेरी यूजर आईडी है हरीश474747। दोस्तों आज के इस वीडियो में राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, सारंगपुर, खातोली आदि, इन युद्धों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। किसने जीता था और किन किन के बीच में हुआ था, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है वो राजस्थान के प्रमुख युद्ध है, इसका पार्ट वन देखेंगे अपन, जो कि ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों ये 1191 में अजमेर व दिल्ली के चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो किसके शासनकाल में आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए और उनको लाने वाला मोहम्मद गोरी ही था। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ये 1192 में हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य ही हुआ था, लेकिन जिसमें गोरी मोहम्मद गोरी जीता था इस युद्ध में। नेक्स्ट है रणथंबोर का युद्ध। ये 1301 में रणथंबोर शासक राणा हम्मीरदेव चौहान व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध। 1303 ईस्वी में दोस्तों मेवाड़ के गुहिल शासक व राव रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था, जिसमें रतन सिंह शहीद हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के पीछे महारानी पद्मिनी को पाना अलाउद्दीन खिलजी की इसमें वो इच्छा जाहिर थी, इसी कारण उसने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया था। इसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। नेक्स्ट है सिवाना का युद्ध। 1308 ईस्वी में हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने वीर सातलदेव चौहान की सेना को हराकर सिवाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है जालौर का युद्ध। 1311 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सोनग्रह चौहान कानड़ देव को पराजित किया, जालौर को जीतकर इसका नाम खैराबाद कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। ये 1437 में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर गिरफ्तार किया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। दोस्तों कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो कीर्ति स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का लोगो भी है। इसमें 9 मंजिला इमारत है ये। नेक्स्ट है खातोली का युद्ध। दोस्तों खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में लोदी को हरा दिया था महाराणा सांगा ने। दोस्तों महाराणा सांगा को वन साइड आइड मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक आंख नहीं थी, इनके भाई ने इनकी एक आंख फोड़ दी थी महाराणा सांगा की। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने 8 युद्ध का वर्णन देखा है। इस युद्धों में डेट पूछी जा सकती है एग्जाम में, कौन सा कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ, कौन विजयी हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा।